बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन सिद्दीकी। वेलकम टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शंस। आज है अडोबी फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 23 और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेस अवेयर लिक्विफाई फिल्टर को। सो गाइस, विदाउट एनी डिले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ मैंने एक इमेज ओपन की हुई है, एक फीमेल मॉडल है और माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन हम इसकी खूबसूरती को कुछ और इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस जे, और उसके बाद हम इस लेयर को कन्वर्ट कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और बैकग्राउंड लेयर को बेशक आप ऑफ कर दें। और अब क्या करना है जी, अब हमने जस्ट आना है फिल्टर में, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लिक्विफाई, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स। शिफ्ट कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे तब भी आप लिक्विफाई विंडो पे पहुंच जाएंगे, और अगर आप यहाँ से फिल्टर्स में आए, फिल्टर्स में आने के बाद आप यहाँ लिक्विफाई पे आ जाएंगे, तब भी आप लिक्विफाई फिल्टर पे पहुंच जाएंगे। तो हम इसको पे क्लिक करते हैं। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ मेरे पास एक और विंडो ओपन हो चुकी है, और इसमें कुछ हमें टूल्स दिए जा रहे हैं। हमने अभी सारे टूल्स को नहीं पढ़ना, हमने जस्ट फेस अवेयर लिक्विफाई को पढ़ना है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फेस अवेयर लिक्विफाई, और जैसे ही मैं ऑन करता हूँ मेरे पास इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेटिंग आ रही है वो आ रही है इसकी आइज की, कि आप आइज का साइज जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, उसकी विड्थ हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक साइड की यानी कि लेफ्ट साइड की आई को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी जो मेजरमेंट्स हैं उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, और अगर आप लेफ्ट साइड की करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी, और अगर आप दोनों की एक जिस साथ करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। हम इसके फेस के ऊपर जूम कर लेते हैं पहले, तो जस्ट लाइक दिस। और अब हम देखते हैं कि जी अपने फिल्टर अप्लाई करते हैं। आई का साइज ये देखिए जी, मैं यहाँ से इनहेंस कर रहा हूँ और इस आई का साइज इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको डिक्रीज करता हूँ ये साइज इसका डिक्रीज होना शुरू हो गया, और अगर मैं इसको इनहेंस कर देता हूँ इसकी साथ वाली जो यानी कि लेफ्ट साइड पे है, ये देखिए ये साइज इसका इंक्रीज हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों का साइज एक जैसा हो, तो ये जो चेन बनी हुई है ना सेंटर में, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोनों का साइज एक जैसा इक्वल हो जाएगा। अब देखें, ये देखिए दोनों का साइज इक्वली वर्क कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। और यहां से आप इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, सेम चेन लगा देंगे तो दोनों की हाइट्स आप कंट्रोल करेंगे। ये आपकी विड्थ है, ये देखिए इसकी विड्थ कंट्रोल कर रहे हैं हम, थोड़ी सी विड्थ इसकी बढ़ा दें और हाइट भी थोड़ी सी इनहेंस कर देते हैं। अच्छा, अब बड़े मजे की चीज आ रही है, वो ये है कि अगर आप अपनी आईज को टिल्ट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आप चेन हटा दें तो सिंगल आई को आप टिल्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, ये देखिए सिंगल आई टिल्ट हो रही है, और अगर चेन लगा दें तो दोनों आईज टिल्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आई डिस्टेंस, कि आपकी जो दोनों आंखें हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, जस्ट लाइक दिस। आप डिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जी नोज की हमारे पास। अब नोज हम चाहते हैं कि जी इसकी हाइट तो ठीक है, विड्थ थोड़ी सी कम हो जाए, ये देखिए जस्ट लाइक हमने विड्थ इसकी थोड़ी सी कम कर ली, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास नीचे जो आ गया है वो आ गया माउथ। माउथ में सबसे पहले आ रही है स्माइल, क्योंकि ये मॉडल स्माइल नहीं कर रही, हम थोड़ी सी स्माइल इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए जी जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद आ जाती है अपर लिप, अगर आप अपर लिप बढ़ाना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। लोअर लिप, इसकी विड्थ या हाइट आप डिक्रीज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। माउथ की विड्थ अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं या इनहेंस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी, सेम एज इट इज हाइट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेस का शेप, अगर आप फोर हेड की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं या हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद चिन की हाइट है, कि चिन की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए जी चिन हाइट, और जॉ लाइन जस्ट लाइक दिस। फेस विड्थ ओवरऑल हम इसको कम कर लेते हैं थोड़ी सी,
जस्ट लाइक दिस। ये तो हमारा हो गया फेस अवे टू, लेकिन अब जो हमने फेस में थोड़ी सी चेंजेस की है ना, वो इसकी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही। तो उसके साथ मैच करने के लिए, क्योंकि ये एक हेल्दी मॉडल थी, हमने इसके फेस को श्रिंक किया, कुछ चेंजेस की और अब इसकी बॉडी थोड़ी सी हेल्दी लग रही है, तो हम उसको भी शॉर्ट कर लेते हैं। वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास मिल रहा है फॉरवर्ड रैप टूल, सबसे ऊपर W प्रेस करेंगे तब उसकी शॉर्टकट की है W, और सिंपली आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं, ब्रश की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है जी, आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक करना है और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लेना है थोड़ा सा, बहुत एहतियात से, जस्ट लाइक दिस। सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट डन, और अब देखते हैं हम बिफोर एंड आफ्टर करके। अच्छा, हमने जो पहले इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज किया, उसको चेंज करने का मकसद ये था कि हमने जस्ट एक अलग से फिल्टर लगाया है इसके ऊपर, और हमारी जो एक्चुअल इमेज है उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें अगर एडिट करना चाहें उसको सेम एज इट इज़ एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बिफोर एंड आफ्टर में जो है वो फ़र्क देख लेते हैं। सिंपली आप यहाँ से इसको ऑफ करें और सीधा रिजल्ट ये देखिए कितना डिफरेंस आया है उसमें। हियर इज द बिफोर, हियर इज द आफ्टर। सो गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 23, जिसमें हमने फेस अवेयर लिक्विफाई को देखा, जिससे हम मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, यानी कि अपने फेस में जो है वो कुछ करेक्शन कर सकते हैं। लोग इस टूल को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली यूज़ करते हैं, कुछ फ़नी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मेरे लिहाज से बिल्कुल गलत है। और आप लोगों को चाहिए कि आप फोटोशॉप जब भी यूज़ कर रहे हो या इस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हो, तो अपनी इमेजेस की करेक्शन के लिए यूज़ करें, ना कि चीज़ों को बिगाड़ने के लिए यूज़ करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें यार। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़।